सिलसिले में है कि पिछले 7 महीने से चल रहा आंदोलन, पूरे हिंदुस्तान के लोग किसान इसमें इन्वॉल्व थे। ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, किसान संयुक्त मोर्चा जो इसका संचालन था, जिसमें 500 किसान ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी, तो उस 7 महीने में 150 लोगों की जानें चले गई किसानों की। और वो बड़े अच्छा शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था। इस शांतिपूर्ण आंदोलन को 26 जनवरी में सरकार के साथ वार्तालाप करके और रूट तय किए गए कि किस 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 मतलब कि रूटों पे जाएगी किसान संयुक्त मोर्चा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है और हम स्ट्रांगली कंडेम्ड करते हैं कि कुछ शरारती तत्व, कुछ ऐसा आंसर जो किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसान आंदोलन को गलत रास्ता देने के लिए, रोकने के लिए उस कुछ आंसर ने इस किस्म का हरकत की, जो कि लाल किले में जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, किसान संयुक्त मोर्चे का कोई प्लानिंग नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था लाल किले पे जाने का। और लाल किले पे जाकर के जो नेशनल फ्लैग को नेशनल फ्लैग के खिलाफ दूसरा फ्लैग खड़ा किया गया, ये एक बड़ी ही निंदनीय बात है और कंडेमनेबल बात है। हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और हम ये साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन किसानों का आंदोलन था, ये वो आंदोलन था जो कि किसानों के खिलाफ 3 जो कानून बनाए गए थे, उनको एंटी फार्मर जो बिल बनाए गए थे उनके खिलाफ आंदोलन था। और 7 महीने से चल रहा आंदोलन है, 7 महीने में 150 लोग किसानों की जाने चले गई और उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन हमें पहले दिन से शंका थी इस बात की कि इस आंदोलन को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ शरारती तत्व, कुछ ऐसे आंसर जो इसको कॉमनल रंग देना चाहते हैं, जो इसको जो खालिस्तान की बात करने वाले लोग, हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस बात को। और किसानों के आंदोलन में कोई खालिस्तान की बात करे, कोई हिंदू राष्ट्र की बात करे, हम उसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। हम इसको कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं करना चाहते और हम इस किसान आंदोलन का संचालन कभी भी करेंगे जब तक किसानों के 3 बिलों को वापस नहीं देती सरकार। आपने अभी तक जो की खबर नाव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।